तो भाई गर्मी आ गई है और ये मौसम में मतलब घर पे चाहे कोई आए या फिर आप खुद हो, अगर ठंडे पानी थोड़ा मिल जाए ना, मतलब उसका बात ही अलग होता है। ठीक है, तो आज हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है, मतलब कि रेफ्रिजरेटर ही है। तो हमने ऑनलाइन मंगाया हुआ है, उसका नाम है हायर 190 लीटर और 5-star रेटिंग का रेफ्रिजरेटर है। तो अनबॉक्स तो ऑलरेडी हो चुका है, जिस दिन मंगाया हुआ था मैंने ऑर्डर किया था, तो डिलीवरी बॉय खुद ने अनबॉक्स किया था, क्योंकि क्या कि कभी कभी टूट फूट जाता है, तो इतना बड़ा सामान है रिटर्न करने का बहुत सारा सीन होता है, तो उसी टाइम पे मतलब वो अनबॉक्स करता है और अगर कोई डिफेक्ट होता है तो वापस हो जाता है। ठीक है, तो आज उसको अनबॉक्स करेंगे, ठीक है, और A to Z फीचर्स के बारे में बात करेंगे और कैसा प्रोडक्ट है, क्या क्या मतलब आपके लिए सही रहेगा कि नहीं रहेगा, तो A to Z बात करेंगे। तो लेट्स गेट इट स्टार्ट। इसके थोड़ा इंटीरियर और एक्सटीरियर का लुक देख लेते हैं कि कैसा होगा, लुक है ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फ्रिज बाहर ऐसे रखा हुआ है, मतलब लॉबी में अपना, इसके साथ अपना मशीन है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, इसका तो है ही, चेकआउट कर देना, बट अभी इसका है। ठीक है, अब इसको थोड़ा ओपन करते हैं, अभी ये ऑन है तो थोड़ा साउंड आ रहा है, मैं थोड़ा सोच रहा हूँ थोड़ा, देखो ये अंदर से खोलेंगे तो ऑन है, ऑफ कर लेते ताकि साउंड बंद हो जाए, बंद हो गया। ठीक है, अब इसका बाहर से थोड़ा लुक दे देख लो, ये पूरा एकदम जैसे लग रहा है कि मिरर का दिख रहा है कुछ। ठीक है, और पूरा एकदम बंद है, और ये 5-star रेटिंग का है, मतलब आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत कम आने वाला है। ओके, और ये उसका प्रोटेक्टेड डिटेल जो भी हो, और बैक साइड नीचे हमने कोई स्टैंड नहीं लगाया फिलहाल, लगाएंगे उसका भी थोड़ा इंतजार, मतलब इंतजाम करेंगे। और साइड का व्यू ऐसा है, मतलब बाहर से कुछ खास देखने के लिए है नहीं, और उसका पीछे से जो है वो पूरा एकदम फ्लैट है ऐसे ही, बाकी जो नीचे सिलेंडर है वो थोड़ा खुला है खाली। ठीक है, अब इसको खोलते हैं, ये बहुत सारे रैक है, ये सारे डिटेचेबल है, बाहर निकल जाता है। ये अंडे के लिए दिया हुआ है, इसका स्टैंड भी है अंडे का। ठीक है, और ये पानी का बोतल, फिर कोल्ड ड्रिंक रखा होगा, यहाँ पे भी कोल्ड ड्रिंक रख सकता है 2 बोतल का, 2 लीटर का। और ये भी सारा रैक है, मसाला वसाला, मसाला तो खैर रखो ना रखो ये है। बाकी ये है सब्जियों का, जो कि खाली है, हमने सब्जी ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, और ये ट्रांसपेरेंट वाला रैक है, और ये एडजस्ट हो सकता है कि आपको कितना हाइट चाहिए कितना कम चाहिए, सारा है। ठीक है, ये देखो एक पैन सस्पेन है इधर रखा हुआ है, और ये इसका फ्रीजर, तो ये तो काफी फ्रीजर रखा है एकदम। ठीक है, मस्त है ना एकदम। और हमने फिलहाल उस पर रखा हुआ है मानसून, मानसून में भी थोड़ा रखा है, मतलब विंटर और मानसून में रखा है, स्टिल कितना ज़्यादा हो रखा है बर्फ़। ठीक है, और क्या रहेगा बाकी बोलने को। हाँ, इसको ऐसे बोला गया है कि इसको ऐसे दबाना है एक एक बार हफ्ते में, क्योंकि ये जब बर्फ़ हो रखा ही है, ठीक है, जमेगा, बहुत जम गया अभी स्टिल, इसको करना पड़ेगा। ठीक है, और इसको ऑन करके, मतलब इसे ऑन करने के बाद इसे खुला नहीं रखना चाहिए, जब बंद हो ऑन हो। ठीक है, अगर इसमें फ्रीजर में पूरा एकदम बर्फ जमा हुए हैं और आपका फ्रिज ठंडा हो, इसे खुला नहीं रखना चाहिए। मैं तो वीडियो बनाने के लिए खाली दिखा रहा हूँ, खुल गया। ठीक है, और इसका लुक लेते हो थोड़ा ऐसा, इसको बंद कर लेते हैं। तो भाई रेफ्रिजरेटर जो है काफी अच्छा है, आपको 3 मोड मिल जाता है, एक है समर, विंटर और मानसून। आपको जिस मतलब जिस हिसाब से मौसम चल रहा है आप उसको सेट कर सकते हैं, ताकि वो थोड़ा सा पावर कंजम्पशन ऐसे तो उतना ज्यादा होता नहीं है, क्योंकि ये 5-star रेटिंग का है, तो बहुत ही कम पावर आएगा उसमें। तो पावर कंजम्पशन के बारे में अगर बात करें तो 136 यूनिट दिखा है उसमें, कि अगर साल भर में वो इतना यूज होगा, और वो डिपेंड करता है कि आप कौन से मोड पे रखा है, क्या रखा है, मतलब
मान लो साल में भी 150 यूनिट आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए, ठीक है। और बहुत सारे फीचर, और जैसे कि इसमें रैक को एडजस्ट कर सकते हैं कि ऊपर नीचे की आपको कितना स्पेस चाहिए। हाँ ठीक है, बर्तन मान लो कोई बड़ा सा बर्तन है तो उसको एडजस्ट कर रख सकते हैं। उसमें एक ट्रे भी दिया हुआ है और 6 के लिए दिया है, वो बात अलग है बट दिया है, ठीक है। और 2 लीटर का पानी की बॉटल या फिर कोल्ड ड्रिंक दो रख सकते हैं उसमें, बाकी 1 लीटर के काफी सारे रख सकते हैं। और नीचे दिया उसका रैक दिया है वेजिटेबल रखने के लिए, जो कि काफी अच्छे बात है और ट्रांसपेरेंट है ताकि आपको दिखे कि कोई सबसे सड़ा तो नहीं है। मेरे हिसाब से प्रोडक्ट काफी अच्छा है, ठीक है। मैं तो यूज कर रहा हूँ फिलहाल, मुझे हो गया 1.5-2 महीने के आसपास हो गया। मैं ये वीडियो काफी लेट बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर है, वैसे भी साइड बाजू में थोड़ा घर का भी काम चल रहा है किसी और का, तो उसके लिए साउंड बहुत आता है तो वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऊपर से गर्मी का टाइम चल रहा है तो पंखा बंद करके वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा पसीना, अभी थोड़ा मौसम सही है तो पसीना तो नहीं आता बट गर्मी तो गर्मी है। और मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, ठीक है, जिसमें मैंने प्रोडक्ट के काफी सारे ऐसे पोस्ट डालते रहता हूँ। अगर आपको चाहो तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर देना, ठीक है, वो कभी कभी हमने पोस्ट भी अच्छे से डाल देते हैं। और यूट्यूब चैनल को अपना सब्सक्राइब तो किया नहीं तो कर लेना, ठीक है। और ऐसे ऐसे बहुत सारे ब्लॉग्स आते रहते हैं। और अभी मैंने लास्ट आईपैड का वीडियो डाला था, फिर अभी एक रेफ्रिजरेटर डाल रहा हूँ, फिर एक इंडक्शन का है, फिर एक प्रेशर कुकर का है जो कि ऑलरेडी, सॉरी प्रेशर कुकर बोल रहा हूँ, एक मिक्सर ग्राइंडर का है जो कि ऑलरेडी मैंने मंगा लिया है, उसका वीडियो बनाना चल रहा है प्रोसेस में, ठीक है। तो सारा A to Z आ जाएगा 15-20 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा, आप वो भी चेकआउट कर लेना। और ये प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा था कि ये काफी अच्छा प्रोडक्ट, अगर आप ट्राई करना चाहो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हो, अच्छा लगा तो खरीद लेना। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आप की फैमिली छोटी है, मतलब कि 2-4 लोग के आसपास है या 5 लोग के आसपास है, तो ये सब उसके लिए, मतलब उनके लिए सही रहेगा, मतलब ये आपके लिए सही रहेगा क्योंकि ये 180 लीटर का है, तो ठीक है इतना चलता है। तो आज का प्रोडक्ट ब्लॉग इतना ही है, ठीक है। ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ, और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर पूछना, ठीक है, मैं उसका आंसर दूंगा। अगर आपके कोई सवाल है जो कि मुझे पर्सनली आपको पूछना है तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल, आप उसे जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको रिप्लाई दे देता हूँ, दे दूंगा, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा कभी कभी लेट हो जाते हैं पर मैं दे देता हूँ, ठीक है। और बात बस आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। तो जाने से पहले एक बात बता देता हूँ, मेरा एक बिजनेस है द एडमैक स्टूडियो, और उसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बात भी किया था, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, थोड़ा बहुत चेकआउट कर लेना। थोड़ा बहुत भाई को सपोर्ट करो यार, और चैनल को सब्सक्राइब करो, कोई नहीं बचाना, ठीक है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक बाय बाय, लव यू ऑल।